उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। फूलपुर एफको KP1 यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस की चपेट में आने से असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभय नंदन कुमार की मौत हो गई। 15 अन्य कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है यूरिया प्रोडक्शन यूनिट के पंप में लीकेज की वजह से हादसा हुआ। फिलहाल यूनिट बंद कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 2 साल में 5 बार यहां गैस लीक हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट ने सबक नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, ये प्लांट प्रयागराज से करीब 30 किलोमीटर दूर गोरखपुर जौनपुर मार्ग पर है। फूलपुर में इंडियन फार्मासिस्ट फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की यूरिया यूनिट है। यहां अमोनिया और यूरिया प्रोडक्शन की 2-2 यूनिट है। मंगलवार रात शिफ्ट में करीब 100 कर्मचारी थे। रात करीब 11:30 बजे KP1 यूनिट में गैस लीक हुई, जिसमें असिस्टेंट और डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई।